गुजरात ने कहा सारे नदियों का पानी हमारे यहाँ के बहकर आता है, काम करो एक बांध बना देते हैं यहाँ पे। तो कहाँ बनाया बांध? बांसवाड़ा में। उसका नाम रखा माही। माही का नाम सुना? सुना। माही बांध का पानी। किसी को जानकारी है बांध किसने बनाया था? राजस्थान सरकार ने बनाया, गुजरात ने बनाया? किसने बनाया था? गुजरात ने बनाया। हमने नहीं बनाया। हमने क्यों नहीं बनाया? हमारे पास पैसा नहीं था। गुजरात ने कहा पैसा मेरे पास है, बांध मैं बना दूंगा, लेकिन 100 में से 80, 10 बाल्टी में से 8 बाल्टी मैं ले जाऊंगा, 10 लोटे में से 8 लोटे मैं ले जाऊंगा, क्योंकि जो पैसा लगाता है शर्त वो लगाता है। ये बातें हैं, ये तो तय बात होती ना, जो आपको उधार देगा, जो ब्याज पे पैसे देगा, शर्त उसी की चलती है। तो वैसे गुजरात की भी शर्त थी कि बांध तो हम बना देंगे, पैसा हम दे देंगे, लेकिन 100 में से 80 हम पानी ले जाएंगे। बांध का एग्रीमेंट हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में, आज से 55 साल पहले। उस एग्रीमेंट में एक बात लिखी थी, और 100 में से 80 पानी कितना होता है मैं बता दूं आपको, जो रिजर्व किया गया कि हर साल गुजरात को देना ही देना है, 4 जैसमन जितना। जैसमन देखा है ना? 4 जैसमन जितना पानी गुजरात भेजने के लिए ये करार हुआ राजस्थान सरकार गुजरात के बीच में, क्योंकि राजस्थान के पास पैसा नहीं था। गुजरात से पैसा दिया 90 करोड़ रुपए, या आप बढ़ाओ पानी मैं लेके जाऊंगा। तो 4 जैसमन जितना पानी हर साल गुजरात में रिजर्व किया गया उस बांध में, लेकिन उसका दुगना हर साल ओवरफ्लो होके बहके चला जाता है। हर साल गेट खुलते हैं ना माई के, माई बांध के हर साल गेट खुलते हैं, लेकिन उसका दुगना पानी हर साल बहके गुजरात चला जाता है। मतलब 10 जैसमन जितना पानी, 10 जैसमन जितना पानी मेवाड़ वागड़ का गुजरात में बहके जाता है हर साल। अब उस एग्रीमेंट में एक आखिरी बात और लिखी थी, 1966 के एग्रीमेंट में एक आखिरी बात और लिखी थी, जिसमें लिखा था कि जब नर्मदा का पानी, नर्मदा कहाँ बहती है बताओ? गुजरात में बहती है। तो जब नर्मदा का पानी गुजरात में आ जाएगा तब आप माही बांध ले लेना। नर्मदा के पानी को गुजरात में आए हुए 22 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए? 22 साल हो गए हैं, और 22 साल से वो नर्मदा का पानी, तो हमारा जो माही का पानी है वो फ्री में ले रहे हैं 22 साल से। और पानी कितना? 10 जैसमन जितना। तो जैसे मारवाड़ पानी जा रहा है मेवाड़ का, वैसे मेवाड़ वागड़ का पानी गुजरात जा रहा है 22 साल से फ्री में। अगर मैं आपके घर में हर साल 10 बोरी गेहूं, कपड़े लत्ते, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल डाटा, मोबाइल दूं, आप मना करोगे? नहीं नहीं मना करोगे, मना नहीं करोगे ना? वैसे गुजरात में जब फ्री में उसके पानी आ रहा है वो मना क्यों करेगा? जाने दो, क्या दिक्कत है? तो 22 साल से 10 जैसमन जितना पानी वहाँ जा रहा है, जिसको राजस्थान की सरकार रोक सकती थी, लेकिन पिछले 22 साल में जयपुर में और दिल्ली में दोनों ही पार्टियों के नेता बैठे रहे, सभी विधायक बैठे रहे, कोई नहीं बोला, सब चुप। कोई क्यों नहीं बोलता? मारवाड़ में भी हमारे वोटर हैं, गुजरात में भी हमारे वोटर हैं, मेवाड़ में वोटर नहीं है कोई, मेवाड़ में कोई वोटर नहीं है। मारवाड़ वाले को परेशान नहीं करेंगे, गुजरात को परेशान नहीं करेंगे, मेवाड़ को करो, क्योंकि मेवाड़ वागड़ वाला जो भी है एक बार दे ही देगा वोट, कहीं नहीं हंसते। लोकल नेता आएगा, अपने आप दो ही पार्टी अपने अपने हिसाब आएगा और वोट ले जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमारा संगठन है किंग सेना मातृभूमि धर्म संघ, राजनीति से कोई लेना देना नहीं। राजनीति से लेना देना होता तो सांवरिया सेठ की मीटिंग में केवल एक ही पार्टी के आदमी को बुलाते, हम सभी को बुला रहे हैं वहाँ पे, किसी को नहीं छोड़ रहे कि भाई एक ही पार्टी को, सबको बुला रहे हैं आओ। और ये जो लड़ाई है, ये जो अपना पानी, हक का पानी लेने की लड़ाई है, किसी नेता के साथ लेके नहीं चलना है। हम अपने किसान भाई और आदिवासी भाई इकट्ठे होकर ही अपना संगठन बना के इसी पे लड़ेंगे, कोई नेता नहीं, मंच नेता को नहीं देंगे।